अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं दाल बाटी। तो उसके लिए मैंने ये आटा ले लिया है। ये 3 कटोरी मैंने आटा लिया है इस कटोरी से नाप कर, और इसमें 2 कटोरी मैंने ये मक्का का आटा ले लिया है, और 1 कटोरी मैंने इसमें बेसन ले लिया है। इसके अंदर और मैं सामान डालती हूँ, और साथ में मैं ये 2 कटोरी भर के मैंने तुअर की दाल ले ली है, जिसको मैं इस साइड में उबलने के लिए चढ़ा दूंगी। इसके अंदर मैं नमक और हल्दी डालकर चढ़ा दूंगी, फिर मैं आपको आटे में सामान जो डलेगा वो बताऊंगी। तो पहले हम दाल को धो लेते हैं। ये दाल मैंने धो ली है। अब इसके अंदर मैं इससे 5 कटोरी पानी डाल दूँगी। अब इसके अंदर हम नमक और हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी और डाल देंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे। दो चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, और अभी हम इसके अंदर और मसाले कुछ भी नहीं डालेंगे। बस इसका हम ढक्कन बंद करके इसमें 3 विसल दे देंगे। बाकी के मसाले हम इसमें बघारते टाइम डालेंगे, और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, और जब तक हम आटे की तैयारी कर लेंगे। दाल बाटी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके बच्चों को अच्छी लगती है कि नहीं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम नमक डालेंगे। 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिए, और इसमें थोड़ी सी 1/2 चम्मच हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच इसमें शक्कर डालूंगी, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डालूंगी, और 1 चम्मच भर के इसमें अजवाइन डालूंगी, जिसको मैं क्रश करके हथेली से फिर डालूंगी। अजवाइन को मैंने क्रश करके डाल दिया, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी फैल जाती है पूरे में। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसके अंदर ये 2 चम्मच भर के हम इसमें ऑयल डाल देंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालेंगे, और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको पूरी की तरह आटा गूंद लेंगे। ना बहुत ज़्यादा सख्त होगा और ना बहुत ज़्यादा नरम होगा। तो आटा गूंदने के बाद हम आपको बताते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसे मुट्ठियों से इसको कस के दबा दबा कर हम इसका आटा गूंद लेंगे। तो ये आटा गूंद कर हमने इसको तैयार कर दिया है, और ये इतना टाइट हमने आटा गूंदा है। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। ये इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो ये बाटियों को हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव के अंदर। इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, और ये फटाफट बाटियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इसके लिए हम इसको पहले प्री हीट पर स्टार्ट करके छोड़ देंगे। तो हम इसके लिए सबसे पहले कन्वेक्शन ऑन करेंगे, और हम इसको प्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है, तब तक हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो ये सारी लोइयाँ बन के हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इसको ये जाली स्टैंड पर लगा लेंगे। ये बाटी हमने इसकी जाली के ऊपर रख दी हैं। अब हम इसको ओवन में रख देते हैं। तो पहले बंद करें और फिर खोलें। ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाटी स्टैंड रख देंगे। ये इसके अंदर हमने बाटी रख दी है बनने के लिए। अब हम इसको बंद कर देंगे, और फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ हमारे गैस का प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसको खोल के देख लेंगे कि दाल हमारी गली कि नहीं। हम चम्मच चला के देख लेंगे। दाल हमारी बेहतरीन सी गल गई है। बस हम इसमें एक बार अच्छी तरीके से चम्मच चला देंगे। इसको ज़्यादा
हिलाएंगे नहीं, नहीं तो वरना इसके ये जो दाने रहते हैं टूट जाएंगे। तो हमें ये इस तरीके की दाल अच्छी लगती है और ये ऐसी ही दाल हमें चाहिए। अब हम इसके बघार का इंतज़ाम करेंगे। जिस बैंगन को हम इस पर भुनने के लिए रख देंगे, उसको अलट पलट करते जाएंगे, इसका हम कच्चा भुरता बनाएंगे। बाटियों के साथ में बैंगन का भुरता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो हम ये इसकी तैयारी भी करते जा रहे हैं, साथ में हमारा बैंगन भी भुनता जा रहा है। इधर हमारी बाटियां भी सिक रही हैं, तो हमारे काम फटाफट सारे काम इकट्ठे चलते जा रहे हैं। अब हम इसको एक बार पलट लेंगे। पहली बार में बाटियों को ज़रा जल्दी पलटिए तो उससे अच्छी तरीके से सिक जाती हैं, तो वो अच्छी तरीके से मज़ा आता है उसको खाने में। ये देखिए एक साइड से हमारी बाटियों में थोड़ी सी सिकाई होने लगी है, अब हम इसको पलट देंगे। हमारा बैंगन भुन रहा है, तो जब तक हमारी बाटियां सिक रही हैं और ये बैंगन भुन रहा है तब तक हम इसको दाल को बघार लेंगे। उसके लिए हम इसमें तेल डाल देंगे। तो ये देखिए एक तरफ से बाटी हमारी सिक चुकी है, अब हम इसको पलट के दूसरी साइड से सेक लेंगे। तो ये बैंगन हमारा भुन चुका है, अब हम इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बाटियां अच्छी तरीके से सिक चुकी हैं। ये इसकी निशानी है कि इस तरीके से फट जाएगी बाटी आपकी, तो मतलब ये पूरी तरीके से सिक गई है। अब हम बाकी की बाटियां भी इसमें हम सेक लेंगे। ये बाटियां हम इसमें और सेक लेंगे। माइक्रोवेव में बाटी बनाना इतना इजी हो गया है, जब चाहे तब आप इन बाटियों को बना सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, आपके बच्चे भी खुश। हर बाटी आपकी बेहतरीन तरीके से सिकी हुई है। माइक्रोवेव में बाटी बनाना बहुत ही आसान है। तो ये बघार की हमारी तैयारी हो चुकी है। इसके लिए मैंने 1.5 चम्मच जीरा लिया है, राई ली है, सौंफ ली है, जैसा कि मैं बताती हूँ कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो सौंफ है, और इसमें 1/2 चम्मच हींग है। इसके लिए मैंने प्याज ले ली है, कड़ी पत्ता ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है कटर के, और ये खड़ी लाल मिर्च ले ली है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और सूखी धनिया और सूखी मिर्च ये हम ऊपर से डालेंगे इसमें। ये 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च ले लिया और 1.5 चम्मच मैंने धनिया ले लिया है। अब हम इसको बघारते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम सबसे पहले ये मसाले डाल देंगे। मसाले हमारे तल गए हैं, अब हम इसके अंदर ये कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और हरी मिर्च और साथ में हम ये प्याज भी डाल देंगे। प्याज हमारी तल गई है, अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर हमारे तल चुके हैं, अब हम इसके अंदर ये धनिया और ये मिर्च डाल देंगे। साथ में हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो ये बघार हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। ये दाल पक के हमारी रेडी हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसके अंदर हम ये हरा धनिया डाल देंगे और ये दाल हमारी तैयार है। अब हम बैंगन के भुरते की तैयारी करेंगे। जब तक हम अपनी बाटियों को एक बार और चेक कर लेते हैं बाकी बची बाटियां हमारी सिकी के नहीं। ये देख सकते हैं आप, बाटियां अच्छी तरीके से सिक चुकी हैं। तो ये देखिए आप, ये दोनों तरफ से बाटियां हमारी बहुत अच्छी तरीके से सिक चुकी हैं। तो देखा आपने कितनी इजी हो जाता है हमारा माइक्रोवेव में बाटी बनाना। तो अब हम बैंगन के भुरते की तैयारी करते हैं और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये बैंगन हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको छील लेंगे। अच्छी तरीके से ये भुन गया है, इसके आराम से ही छिलके निकल जाएंगे। तो ये बैंगन हमारा छिल गया है, तो ये बैंगन को हमने छील लिया है अच्छी तरीके से, साफ़ हो गए इसके छिलके। अब हम इसको मैश कर लेंगे। मम्मा क्या बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी और ये कच्चा बैंगन का भुरता। वाह, बहुत टेस्टी खाना बना रही है।
I'm so excited. मजा आने वाला है आज तो तुम लोगों को बहुत. तो ठीक है, तो बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए हमने सामान ले लिया है. इसके लिए हमने 4 टमाटर लिए हैं, 2 थोड़े पके हुए हैं और 2 थोड़े से हल्के से कच्चे टमाटर लिए हमने. और ये 3-4 5 प्याज ले ली हमने. और ये 3 हरी मिर्च ले ली. हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा. और ये थोड़ा सा हरा धनिया. अब हम इसको बनाते हैं. तो इसके लिए ले लिया है मैंने एक ये चॉपर. इसमें काम करना बहुत आसान हो जाएगा. ये हम इसकी मोटी मोटी कटिंग करके इस चॉपर में डाल देंगे. ये मोटा मोटा करके हम इस चॉपर में डाल देंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे. हम इसको इसमें डाल देंगे और बाकी बचा हुआ सामान भी हम इसके अंदर डाल देंगे. इसको हम सबको मिक्स कर देंगे और ये हरा धनिया डाल देंगे इसमें. इसमें 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे. इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे. और इसको अच्छे तरीके से हाथ से हम मिक्स कर लेंगे. तो ये बैंगन का भुर्ता बनके हमारा तैयार है. अब हमने यहाँ पे ऑयल रख दिया है इसको गर्म होने के लिए और हम ये उसमें बाटियों को फ्राई कर लेंगे. ये बाटियों को फ्राई करने से पहले हम थोड़े से इसमें पापड़ फ्राई कर लेंगे. तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम थोड़े से पापड़ फ्राई करेंगे. पापड़ हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देंगे. ये बाटियों को तलने से पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसा दबा लेंगे ताकि इसके अंदर ऑयल अच्छे से भर जाएगा और ये बड़ी अच्छी क्रंची सी कुरकुरी सी बाटियां तल के तैयार हो जाएंगी. तो हम सारी बाटियों को इस तरीके से हल्के से दबा लेंगे. दोनों तरफ से हम अच्छी तरीके से बाटियों को पलट पलट कर सेक लेंगे. इस तरीके से हम अपनी सारी बाटियों को गोल्डन फ्राई कर लेंगे. तो ये टेबल हमारी लग चुकी है दाल बाटी की. तो आ जाओ बच्चों, तैयार है आपके लिए दाल बाटी. जी चलो स्टार्ट करें. तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें. थैंक यू. इसकी क्रंचीनेस आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से पूरी क्रश हो गई है. ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से पूरी बिखर गई है. तो अब हम शुरू करते हैं, तो आप भी आ जाइए. तो ये मेरी प्लेट हो रही है तैयार. ये देखिए, रख लिया है मैंने भुर्ता, ये थोड़े से पापड़, और ये इंदौरियों के लिए सेव होना तो बहुत ज़रूरी है उनके खाने में. और ये मैंने बनाया है आंवले का अचार. तो ये मेरी प्लेट हो गई है तैयार. तो शुरू करते हैं. तो आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.